तो देखते हैं बच्चे, ये गवर्नमेंट स्कूल का मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था और इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से कैसे करा जाए, जबकि ये प्रूफिंग का है। देखना, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि ए एफ मल्टीप्लाई बाई बी ए इक्वल टू हमें ई ए का स्क्वायर ये प्रूफ करना है। एक काम करता हूँ मैं, ए एफ मल्टीप्लाई बाई बी ए इक्वल टू ई ए का स्क्वायर का मतलब होता है ई ए मल्टीप्लाई बाई ई ए। मैं एक ई ए को ए एफ के नीचे ले आता हूँ और ई ए अपॉन में क्या हो जाएगा, बी ए। अब आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। देखना, ई एक बार ए एफ है और ये रहा मेरा ए एफ, और एक बार ई ए है, ये रहा मेरा ई ए। तो इसका मतलब एक बार छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, फिर एक बार ई ए है, फिर से वही ई ए, ये रहा मेरा ई ए, और एक बार लेना है बी ए। बी ए का मतलब पूरा ट्राइंगल, मतलब हमें दो ट्राइंगल लेना है, उनको सिमिलर प्रूफ करके हम कर सकते हैं। तो देखना, इन ट्राइंगल हमारे पास ए एफ ई जो छोटा वाला ट्राइंगल है एंड इन ट्राइंगल ए बी ई। हमें इससे पता चल गया कि हमें दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखना, इन ट्राइंगल ए एफ ई, ये जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ये इक्वल होगा बड़े वाले ट्राइंगल में ए ई बी, ये रहा ये 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री कॉमन है, तो 90 डिग्री ईच। एक तो हमारे पास एंगल आ गया, दूसरा क्या है, एंगल ए कॉमन है, देख ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और ये क्या है मेरे पास कॉमन है, तो देयरफॉर बाय डबल ए एंगल एंगल ट्रायंगल ए एफ ई वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी ई की, किससे, बाय डबल ए से। अब देखना, मैं इसका मतलब सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, मैं लिख सकता हूँ देर ए एफ अपॉन में ई ए इक्वल टू ई ए अपॉन में बी ए, यानी यही चीज़ उठा के लिख दी, और किससे, बाय सी पी एच टी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए एफ मल्टीप्लाई बाई बी ए इक्वल टू ए ए का स्क्वायर, तो हमारा हैंस प्रूव हो गया, ईजी वे था करने का।